कैसी है हमारी YouTube फैमिली, आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। तो सुबह के ना 6:30 बज रहे हैं और आज थोड़ी हम भी लेट हैं। लेट क्या, हम चले गए थे मॉर्निंग वॉक करने और वहाँ से आने के बाद रूम में झाड़ू पोंछा सब किए, इसके बाद ऊपर से छत से लेकर के नीचे जीने तक हम झाड़ू लगा लेते हैं, इसके बाद पोंछा लगा लेते हैं। और दिन है सैटरडे तो इसीलिए लेट हैं क्योंकि अभी ये भी सो रहे हैं। वैसे जब ये जल्दी जगते हैं ना तो हमको जल्दी जग के पहले झाड़ू पोछा ही करना पड़ता है क्योंकि होने लगती तुरंत पूजा। अब पूजा के बाद फिर अपने घर में झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए, इसीलिए आज आराम से कर रहे हैं। और वैसे यहाँ नीचे की लॉबी की ना साफ़ सफाई मीना कर लेती हैं, लेकिन उनको भी ना 2-3 दिन से पहले आया फीवर, और ये वाला फीवर पता नहीं कौन सा है। फीवर आने के बाद ना पूरी बॉडी में इतना पेन होता है, तो अभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुई है। तो हमने कहा ज़्यादा तुम अभी कुछ काम मत करो, हम सब कर लेते हैं। तो वहाँ का झाड़ू पोछा करने के बाद हम आ गए हैं। थोड़ी कपड़े बर्तन है तो इनको भी स्टैंड में सब लगा देते हैं। और आज ना 4 बजे से ना हम पूरे कपड़े भी अपने, मतलब बच्चों के, अपने, इनके, सबके मशीन में डाल दिए थे, तो कपड़े भी सबके साफ़ हो गए। बीच बीच में ये भी देखते रहे हैं। और 2 दिन से ना यहाँ धूप सही से नहीं निकल रही है, बारिश हो रही है, लेकिन हमको लगता है ना आज मौसम थोड़ी सी खिला खिला सा लग रहा है, तो हम सोच रहे हैं कपड़े डाल देते। वैसे भी ना इस सीज़न में अगर धूप में कपड़े ना डालो तो अजीब सी स्माइल आने लगती है, तो देखते हैं कितने समय तक ये कपड़े पड़े रहते हैं। और वैसे भी हमारी बहनों ने कमेंट किया है कि दीदी सोशल मीडिया में आए हो तो आप लोगों को ऐसे कमेंट तो आएंगे। बहन खूब कमेंट करिए, कमेंट का हमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर हमारी कोई वीडियो में कोई कमी है, कुछ भी है, हम तो चाहते हैं कि आप लोगों को कैसा क्या, कोई भी रेसिपी है, भजन है, कीर्तन है, तो आप उस विषय, लेकिन फैमिली के विषय में ऐसे कमेंट कि दीदी आपके देवर कहाँ हैं, दीदी आपके, मतलब बच्चों के विषय में आप भी पूछिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती ना जो ऐसे ऐसे कमेंट हमेशा आते रहते ना, इसलिए ना आपकी दीदी को वो लगता है। और जो अभी दिखा दिए ना भिंडी, पापा जी ने ना 5-6 गमलों में यहाँ भिंडी के पेड़ लगा रखा है, तो थोड़ी थोड़ी फूल निकलने लगे हैं। और गेहूँ 2-3 दिन पहले हमने धुल करके डाल दिया था, हमको क्या पता कि बारिश होने लगेगी। वैसे भी एक दिन थोड़ी थोड़ी सूखा था, लेकिन यहाँ ऐसे डाल दिए हैं ना, और देखिए चिड़िया आती हैं तो पूरा चोंच से कर करके हर जगह ऐसे गेहूँ को गिरा देती, डेली ऐसे आते हैं, ऐसे डालते, हमको लगता है भगवान धूप कब निकलेगी, तो जल्दी ये सब अपने काम कर लेते हैं। और वैसे भी ना ये वाले काम तभी हो पाते हैं, और जिस दिन इनकी छुट्टी बच्चों की होती तभी इस तरह वाले काम हो पाते हैं। नहीं वैसे भी सुबह से बस किचन में ही सोचना पड़ता है, और बहुत ही ठंडा मौसम था तो हमने सोचा थोड़ी सी झूम लेते हैं। इसके बाद आ गए हैं किचन में, तो थोड़ी सी हम रवा भिगो करके रख देते हैं, दही भी रखा था। और बच्चों को भी कहना था कि माँ अप्पे बनाओ, काफ़ी समय से अप्पे हम नहीं बनाए हैं। और जब भी हम अप्पे बनाने के लिए सोचते हैं ना, तब भी ना हम अपनी भतीजियों को बहुत याद करते हैं। अभी जब बनाएंगे ना तभी बताएंगे कि कौन कौन सी भतीजी को हम याद करते हैं। तो देख सकते हैं ये दही रखा हुआ था ना, दही और रवा, और इसमें अभी डाल देंगे नमक, तो तीनों चीज़ों को ना हम ऐसे ही फेंट करके रख देंगे। तो अप्पे बनाने से पहले ना 15-20 मिनट आप फेंट करके रख दो तो अप्पे अच्छे, मतलब फूल जाता है रवा, और अप्पे अच्छे बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं। और वैसे भी जल्दीबाजी में अगर बनाना है तब भी आप ऐसे ही फेंट करके बना सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। और यहाँ अभी तीनों आराम से सो रहे हैं तो हम भी जल्दी कर लेते हैं सुंदरकांड का पाठ, पूजा पास। इसके बाद देखिए कल जैसे वैभव लक्ष्मी का पूजन किए थे ना, तो जो ये जल रहता है, चावल रहते हैं, तो हमेशा ना आप लोग जैसे क्या करते हो, आप लोग भी जानते होंगे कि इसको कहाँ डाला जाता है। हम तो ना चावल डाल देते हैं चिड़ियों के लिए, और जो जल है ना उसको गमले में डाल देते हैं, इसलिए ना कहीं इधर उधर नहीं डालना चाहिए। और हमेशा जो सोने की अंगूठी पूजा में रखते हैं ना उसको बहुत संभाल के रखते हैं। हम सोच जय माता दी गाइस, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो पूजा पाठ हो गया और सुंदरकांड का पाठ भी हमने कर लिया, अब चलें अपने लिए गर्म पानी ले किचन में, जल्दी नाश्ते की तैयारी करें। और आज है विश्वकर्मा पूजा, अरे लक्ष्मी आ गई क्या, तो लक्ष्मी भी आ गई। तुम लोगों की पूजा होती है ना, अरे वाह, तो बहुत सारा आइटम लेकर के आई, देखिए क्या क्या लेकर आई है, लड्डू, बनाना, एप्पल, और क्या है, गरी, अरे वाह कच्ची गरी। तो आ जाइए आप लोग भी प्रसाद खाइए। और लक्ष्मी लोगों की यहाँ पूजा होती, हमको तो ना पता चला जब बच्चों की स्कूल की छुट्टी हुई तभी पता चला कि आज विश्वकर्मा पूजा है।
तो आज का मौसम ना अभी थोड़ी बहुत तो ठीक है। हमने सोचा सुबह हम कपड़े डाल कर के आए, पता नहीं बारिश ना होने लगे, लेकिन लक्ष्मी मौसम ठीक है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो गई है। चलिए विश्वकर्मा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं लक्ष्मी को और हमारी यूट्यूब फैमिली को। हो सकता है हमारी कोई कोई सब्सक्राइबर हों जो वो लोग विश्वकर्मा पूजा की मतलब विश्वकर्मा पूजा करती हूँ, है ना। तो हमको तो ज़्यादा, हम तो नहीं करते, हमको ज़्यादा आइडिया भी नहीं है। रख दो बेटा, रख दो, तो जल्दी लग जाते हैं किचन काम में। और आज ना बिल्कुल हल्की फुल्की वाली हमने साड़ी डाल रखा है और इसमें ना ऐसे ऐसे वाले काम है। लक्ष्मी आ जाना, हम बना रहे हैं, वो बना रहे हैं कि अप्पे बना रहे हैं, तो आ जाना थोड़ी देर में अप्पे और चाय। और जब इन लोगों की छुट्टी रहती है ना तो हम भी थोड़ा सा साफ़ सफाई के ज़्यादा ही काम हो जाते हैं, इसीलिए सब किचन एकदम से। हमारी दाल पक गई है, जब तक तो पूजा करते रहे इधर दाल रख दिए थे पकने के लिए, तो दाल पक गई है, चावल भी बन गए हैं, क्योंकि इनको तो नाश्ते से कोई ज़रूरत नहीं रहती, मतलब ये तो नाश्ता कुछ करते नहीं इस तरह का, इनको ना डायरेक्ट खाना ही चाहिए, तो जल्दी लगते हैं। तो यहाँ पर हमने दो टमाटर लिया है, एक शिमला मिर्च लिया है, इनको ना हम बारीक बारीक काट लेते हैं। और प्याज आज हम नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि सैटरडे वाले दिन सोचते रहते हैं कि प्याज ना डालें, वैसे इनका तो नहीं चल पाता है, लेकिन हम कोशिश यही करते रहते हैं कि दाल सब्जी में किसी चीज़ में प्याज ना डालें। और इनसे भी हम कभी कभी झूठ बोल देते हैं, कहते हैं दाल फ्राई की हो तो प्याज डाली हो कि नहीं डाली, हमने कहते हैं हाँ डाले हुए हैं, लेकिन जब खाते हैं ना तब इनको पता चल जाता है। और वैसे भी ना अप्पे का राज बताए ना कि अप्पे हम कहाँ से सीखे हैं और कौन हमको बना करके खिलाता था। हमारी भतीजी प्राची ना अप्पे की बहुत ही शौकीन थी, जब हम ससुराल से जाते थे ना और ये छोटी थी तो जैसे हमको देखती थी वैसे कहती थी बुआ दही रखा है अप्पे बनाते हैं, तो इतनी जल्दी अप्पे मतलब रवा दही दोनों को फेंट करके और बढ़िया प्याज टमाटर डाल करके और भाभी सिल में चटनी पीस देती थी धनिया की पत्ती और टमाटर वाली ना, तो वह मज़े आ जाते थे और हम लोग अप्पे खाते थे। और हमारे भैया यानी प्राची के पापा जब भी जैसे नीचे के रूम से ऊपर आते थे तो कहते थे अरे वाह यहाँ अप्पे खाया जाता है और अप्पे बन रहे, हमको नहीं दिया गया। तो प्राची कहती थी कि पापा आप नहीं अप्पे खाते हो ना, इसलिए आपको नहीं दिए हैं। वैसे हमारी भतीजियां ना खाना बनाने में सब बहुत ही शौकीन हैं और प्राची ना खाना बनाने में बहुत डरती थी, तो भैया बोलते थे मतलब भाभी कहती थी खाना बनाना नहीं सीखती, तो भैया कहते थे कि जब प्राची खाना बनाएगी ना तभी हम खाएंगे। तो जब हमारे भैया कहते थे कि प्राची खाना बनाओ तभी प्राची खाना बनाती थी। तो यहाँ पर हमने दाल फ्राई भी कर लिया, तीनों बच्चों को बनाना शेक भी दे दिया और आप लोगों से इतनी बातें भी हो रही हैं। अब जल्दी पहले इन लोगों को सिंपल वाला बना देते हैं, इसके बाद ही हम टमाटर और शिमला मिर्च ऐड करेंगे। वैसे भी ना हमारी भतीजी ज्योति है, प्रीति है, बिट्टू, एक दिन ना बिट्टू ने वीडियो कॉलिंग किया था, वहाँ बहुत ही खुश है। हमने कहा बिट्टू मोटे मत होना, तो करे नहीं बहुत थोड़ी थोड़ी मोटे हो गए हैं, हमने कहा नहीं जैसे स्मार्ट दिखती थी वैसे ही देखना, क्योंकि हम लोगों का ना बहुत ही फूलने वाला शरीर है ना, बड़ी वाली दीदी का है, बिट्टू का है, प्राची का बस नहीं है, ना ज्योति प्रीति का है, हम लोगों का शरीर ना थोड़ी सी अगर नज़र हटी नहीं कि दुर्घटना घटी, खाते पीते घर के लगने लगते हैं, गुब्बारे की तरह शरीर हम लोगों का फूल जाता है। तो वही बिट्टू से कह रहे थे कि आप ना जब दुबली थी शादी में तो बहुत ही स्मार्ट लग रही थी, और हम भी ना जब जब मायके जाते हैं ना तब तब मोटे हो जाते हैं, मायके से आने के बाद ना हमको यहाँ बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो अप्पे भी हमारे बन गए, अभी कृष्णा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो इनको एप्पल काट करके दे देते हैं, अभी इस तरह की बाहर की चीज़ें हैं या उस तरह की तली भुनी चीज़ें नहीं देंगे। तो जल्दी आप लोगों से मनु पीते पीते ही हनुमान चालीसा का पाठ करो, करिए जल्दी, कान क्यों दबाए हो मनु, फलती मारिए, फलती मारिए, फलती मारिए, अब अच्छे से बैठे, गर्दन मत हिलाओ, आंख बंद करके ध्यान लगा करके चलो हम अप्पे देख रहे हैं, यहाँ से सुन रही हूँ। पक गए अप्पे इन लोगों के, दो मिनट और ढक तुम्हारे लिए, कुछ भी नहीं डाल, 100 साल बेटा हमको नहीं जीना है, इतना बड़ा हो। अच्छा 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 बना दें खाने को, तो यानी 100 साल जिए, 100 साल जी के क्या करेंगे, यहाँ डंडा खाएंगे क्या। फोन रखो मनु, फोन रखो, हम किचन से सुन रहे थे तुम लोगों का, हम नाम चालीसा गोविंद, फोन रख के मनु फोन रखिए, लाई दीजिए फोन, दीजिए तुरंत फोन, बेस्ट अप्पे फॉरएवर, बिना खाए सच में खा, और आज टीका नहीं मनु लगाया हो, नहीं क्यों, ठीक है गोविंद, अच्छे हैं, टेस्टी हैं,
तो चलो अब बनाते हैं टमाटर शिमला मिर्च वाले। गर्म है, अरे ठंडे हो जाने दो। टमाटर वाले ठीक है, मनु बस नहीं खाते हैं टमाटर शिमला मिर्च प्याज, इनको बस नहीं पसंद है। टमाटर और शिमला मिर्च वाले भी हमारे अप्पे पक करके तैयार हो गए, तो आप लोग भी आ जाइए, सब लोग खाते हैं। और छोटी सी क्लिप पड़ी हुई थी, पिछले सैटरडे को ना दीदी से मिलने गए हुए थे यानी रुचि के यहाँ, और दीदी उसी दिन निकल रहे थे इलाहाबाद के लिए, तो हमको नहीं पता था कि आज ही दीदी को जाना है। तो दीदी बहुत परेशान हुई, बोली दोपहर में आ जाती थोड़ी समय के लिए बैठते। हमने कहा कोई बात नहीं दीदी, फिर से आइएगा, आप जल्दी आइएगा। तो ये बहनों बहनों का प्यार है, और हमारी वजह से बेचारी कह रही थी कि जाने की इच्छा नहीं हो रही। हमने कहा दीदी शाम हो रही, शाम को ना 5:30 या 6 बज रहे थे, और दीदी जब भी जाती ना कुछ दे करके जाती, कितना भी मना करो तब भी नहीं मानती है। तो ये है हमारी बहनों बहनों का प्यार। तो हमारे कपड़े भी सूख गए थे, छत से ले आए हैं, और कुछ कपड़े सूखे हैं कुछ कपड़े गीले हैं, तो पीछे चेयर में डाल दिए हैं। और वैसे हमारी बहनों ने कमेंट किया था कि दीदी आप नवरात का व्रत करते हो, तो दोनों समय के नवरात का व्रत हम करते हैं, और काफ़ी समय से कर रहे हैं, बचपन से ही कर रहे हैं। और आपकी दीदी ना पूजा पाठ ये सब चीज़ों में बहुत ही आगे है, इसीलिए ना कोई हमारे ब्लॉग ज़्यादा कहाँ पसंद करता है, पूजा पाठ वाले आजकल कोई नहीं देखना चाहता। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ बहनें हैं जिनको अच्छा लगता है करके रख दिया। और टाइम ना 5 बज रहे हैं, अब जा रहे हैं शनि भगवान की आरती पूजा करने। वैसे तो हम शनिवार को मंदिर नहीं जा पाते हैं, पर घर में ही आरती पूजा कर लेते हैं। जैसे आप भी करना चाहते हो ना, अलग से कड़ुआ तेल का जो मतलब दिया जला करके, और उसमें ना आप काला तिल डाल करके बाहर रख दीजिए, बाहर बाउंड्री में रख दीजिए शनि भगवान के नाम से, तो हो जाता है। जैसे हम हमेशा मंदिर नहीं जा पाते हैं, तो ये हम घर में ही कर सकते हैं। और ये साड़ी ना वाकई इतनी हल्की है, आज पूरा दिन पहने रहे हैं, बिल्कुल ऐसे एहसास ही नहीं हो रहा कि हम साड़ी पहने। वैसे भी ना हल्की फुल्की साड़ियाँ बहुत ही हमको पसंद है, और अगर भारी साड़ियाँ पहन लेते हैं ना तो मतलब बहुत ही परेशानी हो जाती, उलझन सी होने लगती, लगता है कितनी जल्दी साड़ी उतारो और सूट डालो। और ये सो रहे हैं ना, अभी बच्चे भी सो रहे हैं, मनु कोचिंग गए हैं, कृष्णा और ये दोनों लोग सो रहे हैं, इसीलिए ना थोड़ी सी स्लो बोल रहे हैं, कह देंगे आज भी हमको सोने नहीं दे रही। वैसे भी ऑफिस चले गए थे, काफ़ी लेट आए हैं, अभी 2:30 बजे तो इन्होंने खाना खाया है। तो आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा होगा, इस ब्लॉग का एंड करेंगे। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। हाँ, जो बहनें हमारी जुतिया का आज व्रत हो तो हम तो नहीं करते हैं, उन बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ हमारी तरफ से। और वो लोग आप लोग भी हमको खूब सारा आशीर्वाद दीजिएगा जो लोग ये व्रत करते हैं। वैसे तो हम सुनते हैं कि ये व्रत बहुत ही मतलब उससे किया जाता है, वैसे काफ़ी लोग रहते हैं, कल मंदिर में भी काफ़ी भीड़ होगी, तो अगर हम भी मतलब कोशिश करेंगे कि जाएं दर्शन करें, ऐसी देवियों के दर्शन करना चाहिए, और जहाँ भी ऐसा पूजा पाठ का कार्यक्रम हो वहाँ ज़रूर पहुँचना चाहिए, तो पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ जाएँ। वैसे तो हमने सोचा था कि आज ही है, आज ही मंदिर जाएँ, लेकिन एक बहन निकल कर बाहर से जा रही थी, तो हमने पूछा मंदिर में भीड़ हो गई है, क्योंकि हम सुबह से तो मेंटेन तैयार थे, इसीलिए हमने थोड़ा सा ये वाली साड़ी भी डाल लिया था, क्योंकि ये ब्लैक भी नहीं है, चॉकलेटी कलर है। तो मतलब वो बोली कि बहन आज नहीं है पूजा, कल है पूजा। तो आप लोगों से बहुत बातें हो गई, जब बात करने लगते हैं ना तो बदले नॉन स्टॉप हो जाते हैं। तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, ब्लॉग पसंद आए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसे ही अपनी दीदी को प्यार देते रहिए कि कितनी बार बोलेंगे जय माता दी गाय।